Good morning students, assalamu alaikum, how are you all? Today we are going to do English work and in English we are going to make sentences. What we are going to do today? Today we are going to make the sentences. Okay, first of all write down the date. Today is 2027, number of July is 7 and 2020. Okay, then write down TW, this is for class work. Then write down day, what day is today? Today is Monday, M-O-N. D-A-Y day, Monday. Write on the heading, make, M-A-K-E, make, two finger distance, make sentences, S-E-N-T-E-N-C-E-S, sentences, make sentences. Then write on the words here, यहाँ पे हम वो words लिखेंगे जिनके हमने सेंटेंसेस बनाएंगे. यहाँ हम वर्ड्स लिखेंगे और इनके सामने इनके सेंटेंसेस बनाएंगे. ओके, वर्ड्स सेंटेंसेस. ओके, हम इससे पहले भी वर्ड सेंटेंसेस कर चुके हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ड्स और यहाँ क्या बनाएंगे, राइट साइड पे उनके सेंटेंसेस बनाएंगे. ओके, राइट ऑन द फर्स्ट वर्ड, एंड द फर्स्ट वर्ड इज सैड, एस ए डी, सैड. सैड का मतलब क्या होता है? उदास, परेशान. एस ए डी, सैड. एस ए डी, सैड. ही इज सैड. वो क्या है? उदास है. ही इज सैड. सैड का मतलब क्या होता है? परेशान. ही सैड. वो क्या है? उदास है, परेशान है. सैड, सैड का मतलब क्या होता है? परेशान, उदास. एस ए डी, सैड. सैड का मतलब क्या होता है? उदास, परेशान. ही इज सैड. नेक्स्ट वर्ड इज गो. गो क्या मतलब क्या होता है? जाना. आई गो टू, आई गो टू स्कूल. मैं कहाँ जाता हूँ? स्कूल. आई गो टू स्कूल. देन नेक्स्ट वर्ड पेन, जिसके साथ हम लिखते हैं. आई हैव अ ब्लैक पेन. मेरे पास कौन सा पेन है? आई हैव अ ब्लैक पेन. मेरे पास ब्लैक पेन है. आई हैव अ ब्लैक पेन. वाई ओ यू, यू का मतलब क्या होता है? आप. यू किसके लिए यूज़ करते हैं? सेकंड पर्सन के लिए. आप. यू आर ब्यूटिफुल, बी ई ए यू टी आई F U L, you are beautiful, you are beautiful. आप क्या हैं? बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं. You are beautiful. The first word is sad, second is go, third is pen, fourth is you. Then write on the next word, and the next word is see. See का मतलब क्या होता है? देखा. ठीक है, देखना किसी चीज को. आई एस डबल ई सी, आई सी द कैट. मैंने क्या किसको देखा? कैट को देखा. आई सी द कैट. मैंने किसको देखा? कैट को देखा. सैड, ही इज सैड. वो क्या है? उदास है. गो, आई गो टू स्कूल. मैं कहाँ जाता हूँ? स्कूल. पेन, आई हैव अ ब्लैक पेन. मेरे पास कैसा पेन है? ब्लैक पेन है. यू, यू आर ब्यूटिफुल. आप क्या है? खूबसूरत है. सी, आई सी द कैट. मैंने क्या किसको देखा? कैट को देखा. ओके, सैड का मतलब उदास, परेशान होना. गो का मतलब जाना. पेन, जिसे आप लिखने के लिए यूज़ करते हो. यू, यू का मतलब होता है आप. और सी का मतलब होता है देखना. ओके, दीज आर द फाइव वर्ड्स. ये है आपका आज का काम. ओके, अल्लाह हाफिज़.